बहुत अभी रोड पे ढूंढते ढांढते मैं ये पप्पू जूस सेंटर वाले कैंप पे आ गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सोच रहे होंगे हाय हेलो छोड़ के सीधे अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आपको बता दूं कि आज कल रोज़ा चल रहा है, रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं कहीं पे लेके चलूं और इसके ऊपर एक व्लॉग बनाऊं। तो आज मैं आपको लेके चल रहा हूं मोहम्मद अली रोड, जहाँ पे शाम को इफ्तारी के बाद सब लोग खाते हैं, वहाँ पे खाऊ गली है एंड बहुत सारे खाने की हैपनिंग प्लेसेस हैं। एंड पूरा महीना मतलब पूरे 30 दिन जब तक रोज़ा रहते हैं, डेली मोहम्मद अली रोड फुल्ली जैम पैक रहता है 7 o'clock के बाद। खाने के लिए वहाँ पे लोग शॉपिंग के लिए आते हैं, ग्रीट करते हैं एंड मॉर्निंग 4 o'clock तक, कैन यू बिलीव, मॉर्निंग 4 o'clock तक शॉप्स ओपन रहती है, जहाँ पे लोग आके वहाँ पे कुछ ना कुछ खाते हैं और हैंग आउट करते हैं। तो मैं आपको आज वहाँ पे लेके चल रहा हूँ। आज मैं ना कोई कार लेके जा रहा हूँ, ना कोई बाइक लेके जा रहा हूँ, ना मुझे कोई एकम्पनी कर रहा है। तो मैं जा रहा हूँ ट्रेन से, मैं लूँगा यहाँ से ट्रेन सेंट्रल रेलवे की और मैं उतरूँगा सैंडर्स रोड, फिर मैं जाऊँगा वहाँ से मीनारा मस्जिद और खाऊ गली और आप लोगों को वहाँ पे सब कुछ दिखाऊँगा कि लोग कैसे खाते हैं। आई एम सो सॉरी टू से, मेरे वेजिटेरियन फ्रेंड्स हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ वहाँ पे है, बट वहाँ पे मोस्टली नॉन वेजिटेरियन आइटम्स बहुत मिलते हैं, स्वीट्स डेजर्ट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो थोड़े से ग्लिम्सेस दिखाऊँगा मोहम्मद अली रोड के, तो चलो चलते हैं, चलो। सो फाइनली मैंने ट्रेन ले लिया, इतना चीप है 20 INR और ये मुझे लेके जाएगा CST और वहाँ से वापस लेके आएगा, बट मैं CST नहीं उतरूँगा, मैं सैंडर्स रोड उतरूँगा। सो बने रहो, स्टे ट्यून्ड। जुबेर भाई सांदल वाला, देखो आंटी बना रही है ये सांदल, मीठा होता है ये, मीठा मीठा। जुबेर भाई सांदल वाला, तो अगर मोहम्मद अली रोड आओ तो यहाँ पर आके चावल का सांदल जरूर खाओ। ये आंटी है उस्मान अली मस्जिद के नीचे, आपका नाम क्या आंटी? फातिमा। फातिमा आंटी, सो इनके हाथ का ये चावल का सांदल, ये थोड़ा सा मैं टेस्ट करूँगा, एक मिनट इसे होल्ड करेंगे ऐसे। सो प्लीज विजिट चावल का सांदल के लिए। गलियाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है और बहुत ज़्यादा पब्लिक है, सो आई विल टेक यू टू सम वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। ये क्या चीज़ है भैया? ये पान है साथी। पान है? तुमको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि तुम फायर पान खाए हो, हमारा नाम तो जोकर अंकल है। एक महीना ये क्या बताया, ये बराश है, बराश है, ये बराश जलेगा और ये बर्फ, ये पान एकदम बर्फ के जैसे रहेगा। आप लोगों ने फायर पान तो खाया होगा दिल्ली में और दूसरी जगह पे, बट यहाँ पे मोहम्मद अली रोड में एक जगह पर भी फायर पान। भाई कौन कौन से पान बताया आपने? फायर पान है, धुएं वाले पान है, आइस वाले पान है। फायर पान, धुएं वाला पान और आइस वाला पान। फायर पान कितने का? फायर पान रहेगा 50 रुपए का, आइस वाला पान 80 रुपए का, फायर वाला पान 90 रुपए का। फायर वाला पान 50, आइस वाला 80 रुपए, 80 रुपए और धुएं वाला है 50 रुपए का। धुएं वाला है 50 रुपए। अब ये धुएं वाला है क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से वो नाइट्रोजन डालेगा उसमें, उसकी वजह से धुआं आएगा। एंड मैं फायर पान ट्राई करने वाला हूँ, सो मैं, मेरे एक फ्रेंड है, हाय, आपका नाम? मोहम्मद इकरार शाह। तो ये मेरा फ्रेंड है मोहम्मद इकरार शाह, अभी मैंने इससे फ्रेंडशिप की है क्योंकि ये मेरा कैमरा पकड़ेगा, क्योंकि ये जब फायर पान बनाएगा तो वो फायर पान खाऊंगा और आपको दिखाऊंगा, ठीक है? ये कैमरा होल्ड कर भैया, बनाओ
खाके आइए, ये साइड आइए साहब, आप ये साइड आइए, मैं इस साइड आऊँ, शूट करना भाई, बराबर देख के ले भाई, आइए थोड़ा साइड हो जाओ, थोड़ा हट जाओ भाई, हमारा नाम तो जोकर अंकल है, नहीं बराश, बराश, बराश डाला है, नहीं नहीं भाई साहब, ये बड़ा खाने वाला चीज़ होता है, कपूर कभी घायल हो जाता है, आप ऐसा टेंशन मत लो, हमारा नाम जोकर अंकल है, ऐसा डरोगे तो, ऐसा डरोगे तो तू डरता ही रह जाओगे, फिर पान नहीं खा पाओगे, आ करो, हाँ देखो हमारा नाम जोकर है, एकदम बर्फ़ के जैसे मुँह रहेगा, एकदम है बर्फ़ के जैसे मुँह, ठीक मेरा नाम क्या है जोकर, देखो बर्फ़ वाला मसाले वाला ये है, ये खाओगे एकदम बर्फ़ के जैसे तुम्हारा मुँह रहेगा साहब, टेंशन मत लो, बराबर एकदम बर्फ़ के जैसे रहेगा, ये 5700 रुपए का ये बाटली का माल है, 5700 का आप लोग भरोसा नहीं करोगे माल, 50 दे रहे हैं ना आपको, हाँ साहब 50 रुपये, 50 रुपीज़ फायर पान, हाँ, और अगर आप मोहम्मद अली रोड आते हो तो यहाँ पे विजिट करो, हाँ मेरा नाम 4 बजे तक आए, सुबह 4 बजे तक रहते हैं, इस गली को क्या बोलते हैं, ये गली को बोलते हैं साहब, ये अपना बिस्मिल्लाह होटल, बिस्मिल्लाह होटल के पीछे की गली में आओ, फायर पान पीछे की गली में नहीं, बिस्मिल्लाह होटल की गली में, बिस्मिल्लाह होटल की गली में आओ, मोहम्मद अली रोड पे, और यहाँ पे आके फायर पान, ठीक है चलो भाई, फायर पान टेक्नोलॉजी पान, सो आई हेट दिस फायर वाला पान, बहुत मज़ा आया यार, ये छोटी छोटी चीज़ों में ना बहुत मज़ा आता है, लिटरली यहाँ पे अगर आप आओ बाजू बाजू की गलियों में जाओ, वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए नया मिल जाएगा, तो अभी बजे रात के 11:15, मैं थोड़ा एक्सप्लोर और करूँगा, उसके बाद मैं मेरा ब्लॉग एंड करूँगा और घर जाऊँगा, क्योंकि मेरी बैटरी भी लो हो गई है कैमरे की, यहाँ पे चार्जिंग की कोई भी फैसिलिटी नहीं है, सो आई जस्ट एंड माय ब्लॉग, थोड़ा टाइम और जब तक बैटरी चल रही है, एंड फिर कुछ नए ब्लॉग की ओर जाएंगे, आने वाले ब्लॉग्स में बहुत ही अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट करूँगा, मैं बहुत सारी जगह जाने वाला हूँ, प्लानिंग चालू है, लेट्स होप फॉर दी बेस्ट, सो हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, मेरा पूरा टी शर्ट भीग चुका है, मेरे को यहाँ पे 5-6 घंटे हो गए, मैं इतना थक गया, पूछो मत, ऐसी ऐसी मैंने 2 बॉटल्स ख़त्म कर दिए पी गए, फिर भी यहाँ पे गर्मी अभी बहुत ज़्यादा है, मेरी प्यास बुझ रही थी, लेकिन अभी मैं जाऊँगा पप्पू जूस सेंटर, जो यहाँ पे एक बहुत ही फेमस जूस वाला है, तो मैंने भी उसके बारे में बहुत सुना है, तो जाके देखता हूँ कि ऐसा क्या बिकता है वहाँ पे, तो पप्पू जूस सेंटर के यहाँ पे जाते हैं, फिर वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे कैसे टाइप के जूसेस मिलते हैं, या क्या उनकी स्पेशल ड्रिंक्स है, या क्या स्पेशल आइटम है जो वो सेल करते हैं, क्योंकि यार उसका नाम बहुत ज़्यादा है, एंड टचवुड ऐसे ही रहे, क्योंकि मुंबई में अगर कुछ ऐसा होता है और वो फेमस हो जाता है तो मुझे बहुत खुशी होती है, तो दूर दराज से लोग वहाँ पे आते हैं, और वहाँ पे आके एक मैंने सुना है कि दिलवाले क्रीम, दिल जले करके कुछ आइटम है, उसमें कुछ दिलवाले क्रीम डालते हैं, तो वो आखिर क्रीम है क्या, तो चलो जाके पता करते हैं वहाँ पे, ठीक है चलो, मोहम्मद अली रोड पे ढूंढते ढांढते मैं ये पप्पू जूस सेंटर वाले कैंप पे आ गया, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं मोहम्मद अली रोड आऊँगा, मैं काबू गली गया, मीनारा मस्जिद दिखाया, एंड अभी मैं जाऊँगा इसके बाद घर, लेकिन घर जाने के पहले मैं यहाँ पे एक फेमस जूस सेंटर पे आया जिसका नाम है पप्पू जूस सेंटर, एंड वहाँ पे कुछ स्पेशल आइटम मिलते हैं, वो है ये एम्प्टी कोकोनट के अंदर कोकोनट मिल्क, अमूल का मिल्क, और कोकोनट क्रीम जो कि बनी है इसके अंदर जो मलाई निकलती है उससे, और ड्राई फ्रूट से, उसको बोलते हैं दिलवाले क्रीम, इतनी ज़्यादा करती है ना, मुझे ये लेने के लिए 20 मिनट्स लग गए, सो मैं आपको खा के बताता हूँ ये कैसे लगता है, अमेजिंग यार, कुछ नया है ये, बहुत ब्यूटीफुल है, अगर आप कभी मोहम्मद अली रोड आए तो यहाँ पे आके ये नारियल के अंदर ये जो दिल जले दिल वाले क्रीम है इसको ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत अमेजिंग है। So finally friends, मैं मोहम्मद अली रोड जाके आ गया, एंड मैं जस्ट घर में पहुंचा हूँ, मैं इतना थक गया पूछो मत, मेरी दोनों आंखें लाल 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 हो गई है, घूम घूम के यार, बहुत
बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था, लेकिन साथ में बहुत ज़्यादा क्राउडेड और बहुत ज़्यादा गर्मी थी वहाँ पे, लेकिन बहुत मज़ा आया। सो अगर आप कभी मुंबई आओ और अगर रोज़ा रखते नहीं हो तो भी, और अगर रखते हो तो भी, आपको एक ना एक बार मोहम्मद अली रोड ज़रूर जाना चाहिए। वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ऑसम है। वहाँ पे आपको स्वीट्स, डेजर्ट्स, नॉन वेज, इवन वेजिटेरियन लोगों के लिए भी काफ़ी आइटम्स है जो वहाँ पे वो खा सकते हैं, लेकिन एक बार जाके आना चाहिए क्योंकि वहाँ पे जो एटमॉस्फियर है वो कमाल का है, सच्ची। बाय द वे मुझे कुछ शेयर करना था, वो शेयर ये करना था कि मुझे दो ट्रिविया पता चली थी कि मोहम्मद अली रोड के पास भिंडी बाज़ार है, नल बाज़ार है, और भिंडी बाज़ार के बारे में एक ट्रिविया पता चली थी कि भिंडी बाज़ार नाम कैसे पड़ा था। सो ब्रिटिशर्स के टाइम उस एरिया को वो लोग बोलते थे बिहाइंड दी बाज़ार, बिहाइंड दी मार्केट प्लेस। सो धीरे 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 लोगों ने उसे अपनाया एंड उसे ट्रांसफॉर्म करके उसको भिंडी बाज़ार कर दिया, बिहाइंड दी बाज़ार, बिहाइंड दी मार्केट को भिंडी बाज़ार कर दिया। तो एक बहुत ही रोचक ट्रिविया सामने आई। दूसरा है नल बाज़ार, चीरा बाज़ार, बहुत सारे बाज़ार नाम वहाँ पे उन्होंने एरियाज़ को दिए हैं। सो अरेबिक में बाज़ार को सूक बोलते हैं, तो जो कोई दुबई जा चुका होगा उनको पता होगा, गोल्ड सूक मार्केट, मसाला सूक मार्केट एंड स्पाइसेस मार्केट, तो सब जगह जहाँ पे बाज़ार टर्म यूज़ होता है उसे सूक भी बोलते हैं। तो यहाँ पे भी बहुत लोग उसे सूक बोलते हैं कि ये यहाँ पे ये सूक है, सूक इन दिस सेंस जस्ट इट्स जस्ट अ बाज़ार, नथिंग एल्स, इट्स अ मार्केट प्लेस। सो अगर कभी आपको कोई बोले कि सूक का मीनिंग क्या है तो इट्स बाज़ार। तो ये एक और ट्रिविया मेरे सामने आई थी, तो मैंने आपसे वो शेयर की। और एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आप फूडी हो तो ये आपके लिए सच में एक हेवन जैसा है, एक हेवन लाइक एक्सपीरियंस है। तो आप वहाँ जाओ, वहाँ पे खाना खाओ, मज़े करो और एक्सपीरियंसेस दूसरे के साथ शेयर करो, दूसरे लोगों के साथ शेयर करो, जितने भी लोग हैं आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स। और अगर कभी कभी और अगर कभी आप मेरे वीडियो को देखें तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड इट्स ऑलमोस्ट 2:00, 2:10 का मैं घड़ी दिखाऊँ, मैं 2:10 का मैं, सो मैं बहुत थक गया और मैं सोने जा रहा हूँ। लेकिन मेरा वीडियो देखना, मज़ा आए ना आए, कुछ भी आए, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना, ठीक है? और मिलते हैं बहुत जल्दी 2nd vlog के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, शबा खैर, बाय, लव यू ऑल।